यह एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही मजेदार वीडियो आते रहते हैं। फिलहाल ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट एपिसोड 2 शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें किम और जिन को दिखाया जाता है, जो कि ओआरए के घर के यहाँ पर आ गए होते हैं। और जिन बोलने लगता है संभल के जाना, वो कहने लगता है हाँ संभल के ही जाऊँगा, मैंने 20 साल इंतजार किया है इस नेकलेस का, वैसे भी मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए। उसके इसी बात पर जिन बोलने लगता है हाँ मुझे भी पता है तुमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है। उसकी इसी बात सुनते ही किम बोलने लगता है अच्छा ठीक है मैं चला जाता। जिन बोलने लगता है हाँ मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। किम भी अपना मिशन पूरा करने के लिए ऊपर निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है युआन भी दूर से इन दोनों को देख लेती है। वो कहने लगती है आखिरकार मेरे आंखों से ये लोग बच भी नहीं सकते, मुझे पता ही था ये लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो कहने लगती है अभी मैं थोड़ी देर में ही पुलिस को बुला लेती हूँ। और वो किम को भी देख लेती है जहाँ पर वो ओआरए के घर के ऊपर जा रहा होता है। वो कहने लगती है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला चोर लगता है। किम भी ओआरए के घर के अंदर एंटर हो गया था। थोड़ी देर बाद हमें पुलिस को भी दिखाया जाता है जहाँ पर युआन ने फोन करके बुलाया होता है। इस वजह से पुलिस तो काफी तेजी के साथ किम के यहाँ पर आ रहे होते हैं। किम देख रहा था कि आखिरकार वहाँ पर उसका नेकलेस कहाँ पर है, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ पर वो सब जगह पर लाइट मारा होता है, पर उसे वो नेकलेस किसी भी हालत में नहीं मिल रहा होता। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा देर होती है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। किम तभी भी वहाँ पर नेकलेस ढूंढ रहा था और वो ओआरए के रूम के यहाँ पर आ जाता है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर ही हो सकता है, पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून होता है। इस वजह से वो सोचता है कि आखिर ये खून किसका होगा। तभी वो ओआरए का फोटो दिखता है और उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा खून लगा होता है। इस वजह से वो कहने लगता है जिन दरअसल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून है, इसका मतलब क्या हो सकता है। जिन तो उसे बाहर निकलने के लिए बोल देता है। वो बोलने लगता है जल्दी से किम वहाँ से निकल जाओ, पर वो निकलने से पहले वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तलाशी कर रहा होता है। उसे लग रहा था कि वहाँ पर ही ओआरए भी हो सकती है, पर थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी एंटर कर जाती है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। तभी हमें किम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ओआरए के काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे आवाज़ आता है और उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि पुलिस ही आते हैं। वो कहने लगते हैं हैंड्स अप हो जाओ, और हैंड्स अप करने के बाद वो गाड़ी में डाल देते हैं किम को। और वो बोलने लगते हैं दरअसल तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती की है यहाँ पर आके। ये सब दूर से युआन भी देख रही होती है। हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युआन का दोस्ती होता है और वो कहने लगता है तुम तो युकांग ग्रुप के चेयरमैन होना, इसका मतलब क्या हो सकता है तुम्हारा इतनी रात को वहाँ पर जाने का। किम बोलने लगता है दरअसल मेरा पर्सनल रीज़न है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है तुम्हें पता भी है तुम किस चीज़ में फंसने वाले हो, क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती की है और वैसे भी तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नाम है। इस वजह में मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा गलत वाले फंसने वाले हो, और मुझे नहीं लगता तुम बाहर भी निकल सकते हो। पर तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है। वो कहने लगता है दरअसल मैं चेयरमैन का लॉयर हूँ और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, दरअसल चेयरमैन वहाँ पर 9:30 पर वहाँ पर गए थे और पुलिस ही बराबर 9:36 पर आ गई है। कैसे बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है, ये किसी ने जानबूझ के साजिश की है। मुझे किसी का नाम तो नहीं पता, पर ये जिसने भी किया इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। उसके इसी बात पर पुलिस तो सोचने लगता है क्योंकि उसको पता था कि उसके दोस्त ने ही फ़ोन किया था और वो और नहीं बल्कि युआन ही होती है। पर किम को यह बात थोड़ी देर बाद ही रियलाइज होती है कि वो और कोई नहीं बल्कि युआन ही थी, पर वो नहीं बोलता। पुलिस बोलने लगता है दरअसल हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इस वजह से आप जा सकते हो, पर एक बात याद रखना मिस्टर किम कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा सकता है। उसके इसी बात पर जिन भी अच्छा ठीक है बोल देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहने लगता है पुलिस कि दरअसल आप सिटी छोड़कर यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि आपको किसी भी हालत में बुलाया जा सकता है। उसके इसी बात पर अच्छा ठीक है बोलकर वो लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन से। थोड़ी देर बाद हमें दिखाए जाते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वाले भी आए हुए होते हैं, पर ये लोग दूसरे रास्ते से आ जाते हैं और न्यूज़ वाले तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस स्टेशन को घेर कर खड़े हुए थे। तभी किम देखता है कि दरअसल वही पुलिसमैन युआन से मिलने के लिए वहाँ पर चला गया है और वो दूर से ही देखता है। दरअसल वो पुलिसमैन कह रहा होता है कि दरअसल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चालू है, इस वजह से तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर आना सही है। युआन कहने लगता है अच्छा बाबा मैं ठीक है जा रही हूँ, अपना अच्छे से ख्याल रखना और खाना पीना खा लेना, ये बोलकर वो तो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंपनी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे क्योंकि युकांग ग्रुप का भी नाम अभी खराब होने वाला था किम की वजह से। तभी न्यूज़ में युआन देखने लगती है दरअसल युकांग ग्रुप का जो चेयरमैन है वही ओआरए को मारने वाला है, ऐसा रूमर के हिसाब से बताया जा रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि किम ही होता है। ये देखने के बाद युआन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो कहने लगती है भला ये चोर आदमी चेयरमैन कैसे बन सकता है, और मैंने गलत ही शक कर दिया है किसी गलत आदमी के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है मैं अभी बिल्कुल भी बचने नहीं वाली। और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। हमें किम को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने ऑफिस में आ जाता है। वो कहने लगता है कि आप सभी को इतने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। युकांग ग्रुप का मैनेजर भी किम के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, पर किम बोलने लगता है तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा प्राइवेट टाइम है और मैं कुछ भी करूँ और मैं अपनी केस खुद से ही संभाल लूँगा, इस वजह से टेंशन मत लो। तभी उसका मैनेजर बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है दरअसल चेयरमैन मैंने सुना है कि ये सब रूमर्स फेक है,
इस वजह से आप भी ध्यान मत दो। पर मुझे ऐसा लगता है पर आपने पास्ट में अप्रोच किया था ओआरओ को और उसने रिजेक्ट कर दिया था, इस वजह से तो कई आपने मारना दिया, ऐसे रूमर्स भी फैल रहे हैं। किम्बुल ने लगता है क्या खा ये रूमर्स, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मैंने कभी भी उसे अप्रोच नहीं किया था। इस वजह से तुम अपना काम से काम रखो वरना तुम्हें फायर किया जाएगा, और वैसे भी तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से तुम अपना काम करो। उसकी इसी बात पर वो अच्छा ठीक ही बोल देता है। किम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो कहने लगता है कि भला ये रूमर क्या क्यों फैल रहे हैं, ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है। और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो जिन के पास आ जाता है, जिन बोलने लगता है कि दरअसल अभी क्या करना है, वो कहने लगता है उन लोगों को वहाँ से खाली करवा दो। दरअसल किम बेकरी हटाने की ही बात कर रहा होता है क्योंकि ये सब चीज़ें युआन की वजह से ही हो रही होती हैं। युआन की दोस्त बोलने लगती है दरअसल युआन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने अपने हिसाब से काम किया है, इस वजह से तुम टेंशन मत लो, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी इसी बात सुनते ही वो अच्छा ठीक है बोल देती है। वो थोड़ी बहुत मोटिवेट होती है तभी उसका फ़ोन आ जाता है उसके दोस्त का, और वो कहने लगती है दरअसल बॉस अभी क्या हुआ, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा अनजर्ट में यहाँ से मूव क्यों करना है। उसकी इसी बात सुनते ही वो उसके दोस्त को बताने लगती है। युआन कहने लगते हैं मुझे पता लग गया कि ये सब चीज़ें क्योंकि किसी ने की है, और वो कहने लगते हैं मैं 2 मिनट में ही आती हूँ। और वो और कहीं नहीं बल्कि लॉयर के पास ही जाती है, और वो कहने लगती है दरवाज़ा 2 मिनट के अंदर खोलो वरना मैं अंदर आ जाऊँगी। उसकी इसी बात पर जिन कहने लगते हैं ये तो वही लड़की है। उसकी इसी बात पर किम कहने लगता है अच्छा तो तुम खुद से हैंडल कर लो। जिन कहने लगते हैं मुझे क्या पता, तुमने ही मूव करने के लिए बोला था इस वजह से वो आई है। किम बोलने लगता है अपना काम करो चुपचाप से, और वो वहाँ से जाने लगता है। जिन बोलने लगता है अभी क्या करना चाहिए, वो सोचने लगता है और वो डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कहने लगती है दरअसल मैंने सुना है मेरे दोस्त को वहाँ से मूव कराना है, क्या ये सब चीज़ें तुमने ही की है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है हाँ ये सब मैंने ही की है, आप क्या कर सकते हो। उसकी इसी बात पर वो कहने लगती है आपने आपका पावर इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से किया है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है, वो कहने लगता है कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया, वैसे भी मेरी पावर है और मैं किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो कहने लगती है एक्सक्यूज़ मी, वैसे भी मुझे एक बात बोलनी है, दरअसल वो गुस्सा आप मेरे ऊपर निकाल सकते हो ना कि मेरे दोस्त के ऊपर, और वैसे भी मुझे ऐसा लगा था कि आप चोर हो, इस वजह से मैंने आपकी कंप्लेंट की थी, मुझे नहीं पता था कि आप चेयरमैन हो। उसकी ऐसी बात सुनते ही जिन तो देखने लगता है, वो कहने लगता है कैसे मैं चोर दिख सकता हूँ भला, इतना ज़्यादा हैंडसम आदमी और इतना ज़्यादा गुड लुकिंग आदमी। तभी वो देखने लगती हैं युआन के दोस्त भी टेंशन में आ गई थी। युआन कहने लगते हैं दरअसल मुझे ऐसा लगता है मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर किम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। जिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है वो कहने लगते हैं दरअसल ये विटनेस के तौर पर आ सकती है हमारे लिए, इस वजह से जिन तुम्हें किम तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इसी बात सुनते ही किम बोलने लगता है अच्छा ठीक है तो फिर क्या करूँ मैं। उसे जिन बोलने लगता है कि दरअसल तुम्हारी बेकरी को बिल्कुल भी मूव नहीं किया जाएगा, इस वजह से तुम टेंशन मत लो। इस वजह से तो युआन तो खुश हो जाती है। वो कहने लगते हैं दरअसल मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, उस रात में एक बंदे को भी देखा था सूटकेस लेते जाते हुए। इसकी इसी बात सुनते ही किम बोलने लगता है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बड़ा अच्छा क्लू है, इस वजह से वो लोग वहीं पर जाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं दरअसल किस पर्सन को कहाँ पर देखा था। उसकी इसी बात सुनते ही वो उसे बताने लगते हैं दरअसल मैंने उस ब्रिज के तरफ से उस पर्सन को देखा था, और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ से चलने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी इसी बात सुनते ही वो दोनों बोलने लगते हैं दरअसल इसने बहुत ही ज़्यादा दूर से देखा था, मुझे नहीं लगता कि ये रियल हो सकता है। और वो बोलने लगता है क्या ये पर्सन यही से जा रहा था, यहाँ पर तो बीच में दीवार है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है आप झूठ बोल रहे हो। उसकी इसी बात सुनते ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर युआन बोलने लगती है दरअसल वहाँ पर कैमरा है, इस वजह से उस कैमरा भी आप देख सकते हो वो पर्सन को। उसकी इसी बात सुनते ही जिन तो अपना कैमरा को हैक कर देता है, और वो देखने लगता है जहाँ पर उसकी स्किल्स के काम आती है, और वहाँ पर वो देखने लगता है कि वो पर्सन दिखाई देता है। वो देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा दूर से ही नोटिस किया था। युआन बोलने लगती है दरअसल वाकई में आपकी तो बहुत ही ज़्यादा हैकिंग स्किल अच्छी है जिन। उसकी इसी सब चीज़ें किम भी दूर से ही देख रहा था। वो कहने लगता है अच्छा वो आपका काम हो गया, अभी आप जा सकते हो। उसकी इसी बात सुनते ही युआन देखने लगती है, वो कहने लगती है मैं आपका काम कर रही हूँ ना, पर मेरे दोस्त को वहाँ से मूव बिल्कुल भी मत कराओ। किम बोलने लगता है मैं तो तुम्हारे दोस्त को नहीं मूव कराऊंगा, पर वैसे भी तुम्हारे आइज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इतनी दूर से तुमने आखिरकार कैसे देख लिया होगा, मुझे तो ये सब चीज़ें झूठ लग रही है हमें दिखाया जाता है। पर वो लोग तो कैमरे में देखते हैं और वो पर्सन भी दिखाई देता है, पर वो तो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनका काम हो गया था। हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा वहीं पर खड़ा था। वो कहने लगता है हमें CCTV को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने चाहिए, पर वो कहने लगती है हमने सभी CCTV देख लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि कहाँ पर भी हमें क्लू दिखाई दिया है, इस वजह से मुझे लगता है बहुत हमें हार माननी चाहिए।
पर तभी हमें थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देते हैं जहाँ पर यूएन पुलिस स्टेशन में फोन लगाती है आवाज चेंज करके। वो कहने लगते है दरअसल 9:36 के आसपास, और आप चाहे तो सीसीटीवी में देख सकते हो, वो ट्रेवल सूटकेस लेते हुए जा रहा था। उसके इसी बात सुनते ही वो कहने लगता है क्या तुम यूएन बात कर रही हो, पर वो यूएन तो फोन कट कर देती है। वो कहने लगती है दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा सर मेरे लिए भी अनजान बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे भी, जिनको दिखाया जाता है। जो बोलने लगता है कि दरअसल हमें वैसे ही उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, पर किम बोलने लगता है हमारा तो काम हो गया, इस वजह से टेंशन नहीं लेना चाहिए। जिन बोलने लगता है हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला सबूत हो सकता है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है उसे फिर से बुलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है और उसके आई साइड भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए काम आ सकती है, इस वजह से उसे फिर से गाड़ी में बैठाते हैं। और वो ये बोलने के बाद फिर से गाड़ी में बैठा देते हैं। युवान बोलने लगती है दरअसल मुझे पता ही था आप यहाँ पर आओगे, और वैसे भी मेरी आई साइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। किम बोलने लगता है जब तक मेरा ये मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक तुम मेरी असिस्टेंट बन के रहना। उसके इसी बात पर युवान अच्छा ठीक है बोल देती है। थोड़ी देर बाद हमें उन दोनों को ही दिखाया जाता है यहाँ पर युवान को लेकर इन्वेस्टिगेशन ये लोग खुद से ही कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता लग गया था कि उस बंदा का आखिर फोटो क्या है, क्योंकि उन लोगों ने उस बंदे की गाड़ी का नंबर चेक किया था और उसमें उसका फोटो दिखाई दिया था, इस वजह से वो सब जगह पर देख रहे होते हैं। पर वो बंदा बोलने लगता है दरअसल ये बिल्कुल भी मुझे नहीं पता है कि आखिर ये बंदा और ये नेकलेस कहाँ पर है। इसकी इसी बात सुनते ही वो अच्छा ठीक है बोल देते हैं। पुलिस को भी दिखाया जाता है जो कि 9:36 पर देखते हैं, और वो वही गाड़ी और वही बंदे दिखाई देते हैं, और वो बोलने लगता है दरअसल ये तो वही बंदा है जहाँ पर इसका फोटो हमने पहले भी देखा है। और वो कहने लगते हैं दरअसल इसको किसी भी हालत में ढूंढना चाहिए, इस वजह से वो लोग भी काम पे लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है हमारा जिस कंपनी के लिए काम करती थी उस कंपनी का सीईओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वापस जाते हैं। और वो बोलने लगते हैं दरअसल हम लोग इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करने के लिए आए हैं, और वो नेकलेस का फोटो दिखाने लगते हैं। उसकी इसी बात पर सीईओ कहने लगते हैं दरअसल ये नेकलेस के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पर उसकी बिल्कुल भी ऐसी इंटेंशन नहीं लग रही थी, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत तो भी आइडिया था उस नेकलेस के बारे में। इस वजह से जिन कहने लगता है दरअसल हमें साफ साफ बता दो वरना हमारा पता है कि हम लोग कैसे बुलवाते हैं, इस वजह से हमें सच सच बोलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सच सच सुनना भी। उसकी इसी बात पर सीईओ भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जिन कहने लगता है ज़रा किम इसके ऊपर फोर्स दो और ये भग देगा जल्दी से। उसके इसी बात पर किम बोलने लगता है कि दरअसल हाँ हाँ तुम बोल दो वरना तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाओगे, अगर झूठ बोलोगे तो मेरे से बुरा बहुत ही ज़्यादा कोई भी नहीं होगा। उसके इसी बात पर वो कहने लगता है दरअसल मुझे थोड़े बहुत ही आइडिया पता है इसके बारे में। दरअसल एच ग्रुप सीईओ के साथ उसका ओआरआर का रिलेशन था, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है वो नेकलेस एच ग्रुप के सीईओ के पास भी हो सकता है। उसकी इसी बात पर किम सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस को दिखाया जाता है जो कि अपना इन्वेस्टिगेशन चालू था। हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी जिन बोलने लगते हैं ओआरआर की जगह पर तुमने तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक एक्ट्रेस को हायर भी कर लिया, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। पर वो कहने लगते हैं हाँ मेरा काम है इस वजह से, और वो खुश होकर वहाँ से बोलता है अलविदा। इस वजह से ये लोग भी अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग क्लब के यहाँ पर ही आ रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी बैलेट में उन लोगों को नेकलेस चाहिए था, इस वजह से वो लोग वहाँ पर रुके हुए थे। तभी वहाँ पर युवान भी आने वाली होती है, और युवान भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर उसने बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वाला कपड़ा पहना हुआ था। उसे देखकर तो किम बोलने लगता है कि दरअसल ये वाकई में प्रिटी दिख रही है, और जिन भी बोलने लगता है कि हाँ हाँ बॉस ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिख रही है। वो बोलने लगता है कि दरअसल इसके ऊपर तो वो नेकलेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जच जाएगा। उसके इसी बात पर किम आगे बढ़ जाता है। वो कहने लगती है माफ़ करना दरअसल मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट करवाया, पर किम तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है, इस वजह से वो गिरने वाली थी, इस वजह से वो तो उसे पकड़ लेता है। वो कहने लगता है कि दरअसल ये नेकलेस बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे ऊपर प्रिटी लगेगा, और वो उसे पहना देता है। उसको इसे देखकर वो कहने लगती है दरअसल ये नेकलेस क्या ज़रूरत थी। वो कहने लगता है चुपचाप से पहनो क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट और फर्स्ट टाइम है, और इसके बाद तुम्हें ये नेकलेस नहीं मिलने वाला। उसकी इसी बात सुनते हुए अच्छा ठीक है बोल देती है। तभी उसकी दोस्त उसे वहाँ से निकल लेके चले जाती है क्लब के अंदर। थोड़ी देर बाद किम बोलने लगता है दरअसल जिन तुम यहाँ पर रुक जाओ क्योंकि तुम्हें पता है क्या करना है। उसके इसी बात पर अच्छा बॉस बोल देता है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर युवान के पीछे पीछे किम भी आ रहा होता है, और वो कहने लगता है कि वाकई में ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्लब है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें नेकलेस मिल सकता है, इस वजह से हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और उसके दरअसल गूगल में भी कैमरा लगा हुआ था और उसके ऊपर जिन नज़र रख रहा था। वो कहने लगता है बॉस दरअसल मैं अच्छे से नज़र रख रहा हूँ, इस वजह से आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मेरी चारों तरफ नज़र है,
वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो क्रिमिनल बिल्कुल भी भागने वाला है हमारे हाथों से, वो रेकलेस हमारे हाथ ही लगने वाला है। थोड़ी देर बाद हमें यून को दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पर वो रुकी हुई थी। किम बोलने लगता है क्या ये बंदा तुम्हें पसंद आ गया, पर तभी वहाँ पर उसकी दोस्त उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो उसके पीछे पीछे किम भी आ जाता है, पर वो बोलने लगती है दो मिनट में आती हूँ इशारा करके। इस वजह से किम तो बिना टेंशन के बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके ग्रुप का मैनेजर था, इस वजह से वो तो चुपचाप बाजू में आ जाता है क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। वो बंदा एक प्राइवेट रूम के यहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वो तो बहुत ही ज़्यादा नशे में था, इस वजह से उसको तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं पर बैठी थी। वो कहने लगता है दरअसल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला पैक लगा दो क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने की मन कर रहा है, इस वजह से दो मिनट भी नहीं वेट कर पाऊँगा। उसकी इसी बात पर वो थोड़ी बहुत इग्नोर करी होती है। वो कहने लगती है दो मिनट में बात करी हो ना, उसकी इसी बात पर वो बोलने लगता है अच्छा ठीक है, मुझे मेरी दारू इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हारी बातें, इस वजह से तुम मुझे दरअसल जल्दी से दारू बना कर दो। पर वो काफ़ी ज़्यादा देर कर रहती है, इस वजह से वो गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं जो बोलता हूँ वो एक भी बार में सुना किया करो, वरना मेरे से ज़्यादा कोई भी बुरा नहीं हो सकता। और वो अच्छे से खुशी हो से बात करने लगता है। तभी वो वहाँ पर बॉटल की कांच फोड़ देता है और वो उसे मारने की धमकी दे देने लगता है। वो कहने लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा अभी दिन के हिसाब से चालाक होते जा रही हो, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। तभी वहाँ पर यून आ जाती है। वो कहने लगती है किसी भी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, मुझे नहीं लगता कि मेरे होते हुए किसी के साथ तुम ऐसे कर सकते हो ना। तभी यून की सारी बातें जिन किम को बता देता है, इस वजह से किम उसे बचाने के लिए जाने वाला होता है। वो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो कहने लगता है कि दरअसल तुम्हारा नाम क्या है, यून कहने लगते हैं इससे तुम्हें लेना देना क्या है। हमें दिखा जाता है किम उसे रूम के अंदर एंटर करने की ट्राई करता है, पर वहाँ पर बॉडीगार्ड थे, इस वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पाता। वो बंदा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगते हैं वाकई में तुम्हारा एटीट्यूड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वैसे ही तुम लड़की हो। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने लगता है, ये देखने के बाद वो तो उसे धक्का दे देती है और वो कहने लगता है कि तुम तो आज बिल्कुल भी मेरे हाथों से नहीं बचने वाली, और वो उसे मारने ही जाने वाला था। तभी पीछे किम आ जाता है और वो कहने लगता है दरअसल मेरे होते हुए किसी को भी तुम हर्ट नहीं कर सकते, जाए। और ये बोलने के बाद किम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम उस रूम के अंदर दरअसल चेयरमैन का नाम लेके ही एंटर किया था और उसके देख के ही सभी लोग नमस्ते करने लगते हैं, इस वजह से उसने ही अंदर एंटर कर दिया था। किम तो उसे सुनाने लगता है। वो कहने लगता है दरअसल तुम तो अपने मीटिंग के बहाने यहाँ पर आए थे और ये भला कैसे मीटिंग चालू है, वैसे भी मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ वरना मेरे से बुरा कोई भी नहीं हो सकता, और किसी की भी ऐसे अगर तुमने बेइज्जती की और किसी के साथ ऐसे बदतमीजी की तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं हो सकता। ये बोलने के बाद वो तो बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है दरअसल यून तुम्हें ये सब चीज़ें क्यों करने की ज़रूरत थी, यून कहने लगती है दरअसल मैं मुझे बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि अगर किसी को इतना ज़्यादा हर्ट कर रहे होगे तो। उसकी इसी बात पर वो कहने लगता है अच्छा ठीक है तुम्हें ऐसा होता है क्या। उसकी इसी बात पर यून कहने लगती है दरअसल अगर उसने और भी किया होता तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, और वो उसके पास आने लगती है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और तभी वो देखने लगती है उसकी आँखों में, और वो आँखें में देखते देखते वो एक बंदे को नोटिस करती है। वो कहने लगती है दरअसल हमारे पीछे जो बंदा खड़ा है उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा छोटा वाला कैमरा है और उसने जेब में लगाया हुआ है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है वो हमारे ऊपर ही नज़र रखे हुए हैं। पर वो कहने लगता है कि दरअसल मुझे तो वो कैमरा नहीं दिखाई दे रहा, पर वो उसे फोर्स करती है, इस वजह से किम उस बंदे के पास जाता है। वो कहने लगता है हेलो मिस्टर कहाँ जा रहे हो, उसकी इसी बात सुनते ही वो भागने लगता है, पर तभी वहाँ पर यून उसे रोक देती है और वो उसका चेहरा देखने लगता है जहाँ पर वो और कोई नहीं बंदा बल्कि वही बंदा था जहाँ पर पहले उन लोगों ने उससे बात की थी, जिन उस कैमरे को देखने लगता है। वो कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का कैमरा है। उसकी इसी बात सुनते ही यून भी कहने लगती है कि अच्छा हुआ मैंने देख लिया वरना ये तो कुछ ना कुछ कर देता हमारे लिए। उसकी इसी बात सुनते ही वो कहने लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं करता। किम बोलने लगता है दरअसल तुम क्या सीईओ यून के लिए काम कर रहे हो। उसकी इसी बात पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है पर वो कुछ नहीं बोलता। उसकी इसी बात सुनते ही किम उसका फ़ोन ले लेता है। वो कहने लगता है अच्छा तो मुझे समझ आया कि दरअसल तुम किसके लिए काम कर रहे हो, और इसने तो बहुत ही ज़्यादा एक्ट्रेस के भी वीडियो निकाली थी। उसकी इसी बात पर वो लड़की भी गुस्से में आ जाती है। वो कहने लगती है दरअसल तुमने मेरी भी वीडियो निकाली होगी कुछ ना कुछ, पर वो कुछ नहीं बोल पाती। किम को दरअसल पता लग गया था कि दरअसल ये सीईओ यून के लिए ही काम कर रहा है, और वो बोलने लगता है दरअसल मैसेज करके कि तुम्हारा आदमी मेरे हाथ में लग गया है। उसकी इसी बात सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करने लगता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये भी पकड़ा कैसे गया। तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है। वो कहने लगता है मुझे पता ही था कि तेरे ऊपर पहले ही से ही शक है मेरे को। तभी हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में एक
पेन ड्राइव थी और वो पेन ड्राइव शायद से नेकलेस की ओर जाने वाली थी, इस वजह से वो बिल्कुल भी उसे देना नहीं चाहता था। तभी जिन उससे छीनने की कोशिश कर रहा था, पर जिन को तो वो काट लेता है और वो पेन ड्राइव को निगल लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यून देखने लगती है और वो उसके पीठ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर से लात मार देती है, इस वजह से वो पेन ड्राइव तो बाहर निकल जाती है और वो यून भी नीचे गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो पेन ड्राइव तो यून हाथ में पकड़ लेती है, वो कहने लगती है कि दरअसल ये पेन ड्राइव आपको चाहिए थी ना चेयरमैन, तो ये ले सकते हो, और यून उसके हाथ में दे देती है। हमें पुलिस को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदे की गाड़ी देखने लगते हैं और वो बंदे की गाड़ी देखते देखते वो कहने लगते हैं दरअसल वो बंदा तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिला, पर उसकी गाड़ी तो यहाँ पर मिल गई है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एविडेंस तो मिल ही जाएगा, इस वजह से अच्छे से चेक करो। इस वजह से वो दोनों अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। हमें उसी पेन ड्राइव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन और किम वो पेन ड्राइव को देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यून बोलने लगती है ये तो वही बंदा है ना जहाँ पर उसको स्पॉट किया था, जहाँ पर उसके हाथ में वही बैग थी ट्रैवल वाली और उसके किचन भी वही थी। उसके इसी बात पर वो दोनों बोलने लगते हैं दरअसल हमें तो ये कैमरा में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा कि उसके दरअसल बैग में वही किचन है जो कि ट्रेज वाली थी। उसके इसी बात सुनते ही वो कहने लगती है दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ वहम हुआ होगा, इस वजह से आप इस पर इग्नोर कर दीजिएगा। यून कहने लगती है अच्छा तो मैं चलती हूँ, और ये बोलने के बाद वो जाने वाली थी। तभी किम बोलते हैं क्या तुम एक चीज़ बोल नहीं रहे हो। उसकी इसी बात पर वो कहने लगते हैं हाँ दरअसल आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। उसकी इसी बात पर किम बोलने लगते हैं और एक चीज़ तुम बोल रहे हो। उसकी इसी बात पर वो कहने लगती है और तो कुछ भी नहीं मैं बोल रही, दरअसल आपने बहुत ही ज़्यादा मेरी मदद की है, इस वजह से आपका मैं ज़िंदगी भर एहसान बिल्कुल भी नहीं चुका पाऊंगी क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है, पर तभी किम बोलने लगता है दरअसल आपने मेरा नेकलेस पहना है, इस वजह से क्या आप नेकलेस वो उतार सकते हो। उसके इसी बात पर यून उस नेकलेस को जल्दी से उतार देती है। वो कहने लगती है अच्छा तो इस वजह से ही इसने रोका था, वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा चिंदी चोर आदमी है। उसकी इसी बात जिन भी सुन लेता है, वो कहने लगता है चिंदी चोर नहीं बल्कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा महंगा नेकलेस है। वो कहने लगती है बल्कि ये नेकलेस कितना महंगा हो सकता है। जिन बोलने लगता है इसकी प्राइस दरअसल मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मेरे लिए प्राइसलेस है। तभी वो जिन कहने लगता है कि दरअसल ये $1 बिलियन से भी ज़्यादा है महंगे का। इसकी इसी बात सुनते ही यून की तो आँखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा महंगा नेकलेस था। वो तकरार कर घर आ जाती है। यून की दोस्त कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि ये रियल है, और वो देखने लगती है। वो कहने लगती है कि जो तुमने ड्रेस पहनाई ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ये तो अभी अभी फेमस है बहुत। उसकी इसी बात सुनते ही यून कहने लगती है कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा ड्रेस फेमस है। उसकी इसी बात पर वो कहने लगती है हाँ हाँ ये बल्कि हमारे एक ईयर की सैलरी से भी ज़्यादा महंगा है, इस वजह से ये तुमने क्या रियल में ख़रीदा है। अगर वैसा है तो जिस जॉब पर यून जा रहे हो उसे ही को कंटिन्यू करो क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा तुम जल्दी अमीर होने वाली हो। जिनको दिखाया जाता है जहाँ पर वो रात भर काम कर रहा होता है वीडियो के लिए, और वो फाइनली वो उस वीडियो को HD में क्लियर कर देता है। जहाँ पर उन्हें पता लग जाता है जहाँ पर यून बोल रही थी वो झूठ नहीं था, वो वही बंदा था। ये देखने के बाद किम बोलने लगता है कि ये भला कैसे हो सकता है। इस वजह से वो किम यून को फ़ोन लगाता है। वो कहने लगता है दरअसल तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पे, इस वजह से उस शर्त को तुम्हें पास करना होगा। और वो टेस्ट वो बोलने लगता है कि तुम दरअसल एक मिनट के लिए छत पे आओ। इसकी ऐसी बात सुनते ही यून छत पे आ जाती है, और वो कहने लगता है दरअसल मेरे हाथ में जो कार्ड है इसमें क्या लिखा है वो पढ़ के दिखाओ। यून कहने लगते हैं दरअसल तुम किस साइड पे हो, और वो दिखने लगती है आंखों से। तभी उसे दिखाई देता है आई फाउंड आउट योर सीक्रेट लिखा हुआ है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। वो कहने लगती है दरअसल बॉस मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से मैं नहीं बता सकती। उसकी इसी बात सुनते ही वो कहने लगते तो सब ये सब चीज़ें जो बोल रही थी तो झूठ है ना, और ये बोलते बोलते वो गिर जाता है। तभी यून कहने लगते बॉस आप ठीक तो हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। उसकी ऐसी बात सुनते ही वो से पता लग जाता है कि दरअसल ये सब चीज़ें ये झूठ नहीं बोल रही क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर पे खड़ा था, जहाँ पर किम को नॉर्मल पर्सन भी नोटिस नहीं कर सकता था वहाँ पर यून ने देख लिया था। उस बात पर ही किम को पता लग गया था कि ये दरअसल पहले जो थोड़ी देर मुझे पहले बोली थी वो झूठ थी इसका मतलब, और वो कहने लगता है कि वाकई में तुम्हें दिखाई देता है, ये बात मुझे पता लग गई है। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना।